असलम आज जो पेपर हुआ है सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस का वो हम सॉल्व कर लेते हैं 100 के 100 एम से डैश इज़ यूज फॉर अपलाइंग मोशन टू स्लाइड इन अ स्लाइड शो तो एनिमेशन स्कीम के जरिए आप अप्लाई करते हैं कोई भी मोशन इफेक्ट स्लाइड के ऊपर इन पावर पॉइंट सेकेंड पे है विच टर्म आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक कंप्यूटर ऑन द वेब एंड मेन पेज ऑफ द इंटायर साइट तो यू आर एल जो होता है वो आपका आइडेंटिफाई करता है स्पेसिफिक कंप्यूटर को या वेब पेज को यू आर पे क्लिक करते हैं तो आप पहुंच जाते हैं उसी साइट के ऊपर अ सर्विसज इन विच यूजर कैन चैट विद हिज हर फ्रेंड्स एंड नॉट विद पब्लिक इज़ कार्ड इंस्टेंट मैसेजिंग तो ये एक तरीका है जिसमें आप सिर्फ अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं जहाँ पे पब्लिक से बात करना अलाउड नहीं है द डैश फोल्डर कंटेंस कॉपीज ऑन मैसेज दैट यू हैव स्टार्टेड बट आर not रेडी टू सेंड आप कोई मैसेज टाइप करते हो ईमेल में जा कर उसको सेंड नहीं करते हो तो वो ड्राफ्ट में चला जाता है मतलब कि अभी वो तैयार नहीं है सेंड करने के लिए ठीक है ऐसी जो आप सेल पर टैक्स कर रहे हो तो अगर आप टैक्स टाइप करके बैक पे चले जाओ तो वो आपको शो करता है कि वो ड्राफ्ट साथ शो कर रहा होता है कि आपका ड्राफ्ट में खड़ा हो ये मैसेज ठीक है सूटेबल वर्ड दैट विच कैन नाट बी पासड थ्रू तो ये इमपेसिबल को बोलते हैं दैट विच कैन बी पास थ्रू ियम ऑफ़ अंडरलाइन वर्ल्ड होता है praised, किसी की तारीफ करना Simple, uh, abjure, होता है इसका मीनिंग पास में आ चुका है द सम ऑफ टू नंबर सेवन एंड फाइव द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर अब वो कह रहा है दो नंबर है जिनका सम थर्टी सेवन है और जिनके स्केयर्स का डिफरेंस है वो वन एटी फाइव है तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा अब स, आ, सम ले दो नंबर ले लेते हैं एक्स एंड वाई तो उनका सम होगा थर्टी सेवन एंड उनका स्केयर का डिफरेंस हो गया वन एटी फाइव एक्स स्केयर माइनस फाइव स्केयर तो इसका फार्मूला जो होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर का वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस तो ये हो जाएगा एक्स स्क्यर माइनस फाइव हो जाएगा एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई जिकोटो वन एटी फाइव एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास वन है थर्टी सेवन तो वो थर्टी सेवन हम पुट कर देंगे वन एटी फाइव और थर्टी सेवन फाइव इसका आंसर आता है टाक्टिव बीन्स टाकटिव होता है गर्लुअस मतलब ये सिननम पूछा हुआ है उसने टाक्टिव का एंटोनिम ऑफ सिंपथी सिंपथी आपको पता है किसी के साथ अच्छाई करना ठीक है तो क्रोलिटी होती है किसी के साथ बुरा करना डैश डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल तो फार्मूला जो बार होती है टॉप पे वो जिस सेल पे आपका उस टाइम कर्सर होता है या बॉक्स जो होता है उसका एक्सेल में तो फार्मूला बार में शो कर रहा होता है कंटेंट उसका आप ऊपर जा के, क्लिक करके वहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं वहाँ पे फार्मूला बार में एडिट कर रहे होते हैं ना चेंजेस कर रहे होते हैं उन्नीस साल में खुद बहुत चेंजेस हो रहे होते हैं जब आप एक्सेल यूज़ करते हैं जो लोग उनको पता होगा इसका डैश कैन लेफ्ट वेट अबाउट फिफ्टी टाइम्स ऑफ इट्स ओन वेट वो क्या चीज़ है जो अपने वेट का फिफ्टी टाइम्स उठा लेती है तो वो है आंट ठीक है अपने वेट से पचास गुना ज़्यादा उठा लेती है वो इन एम एस एक्सल अ चेंज इन द अपेयरेंस ऑफ अ वैल्यू और लेबल इन अ सेल तो ये फॉर्मेट में चेंज होता है ठीक है इन एम एस एक्सल अ चेंज इन देयरेंस ऑफ अरस ऑफ अ वैल्यू और अ लेबल इन अ सेल तो ये फॉर्मेट में चेंज होता है इन एम एस एक्सल टेम्पलेट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट तो ये जितने भी ऑप्शन थे उनमें आंसर था ऑल ऑफ़ दीज वो जो तीनों ऑप्शन थे वो तीनों ही करेक्ट थे अंड रॉइटिंग विच कैन नॉट बी ईजीली रेड तो कोई भी हैंड रंग जो ईजीली रेड नहीं की जा सकती वो सब बोलते हैं इलीजिबल ठीक है एलिजिबल उसके पास हमारे पास है एच टी टी पी एस उसके बाद कॉलन है फिर दो स्लैश हैं फिर डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट गूगल डॉट कॉम इज़ कार्ड तो ये इस टाइप की जो चीज़ होती हैं ये यू आर एल होता है लाइक आप किसी के साथ लिंक शेयर करते हो ना वो सपोज़ आपने पी पी एस सी का लिंक शेयर करना है आप वहाँ पर कॉपी करेंगे तो आपके पास ये आएगा एच टी टी पी कॉलन डबल स्लैश डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट पी पी एस सी डॉट जी ओ वी ठीक है ऐसे जो भी एड्रेस है उसका तो ये यूर होता है इसको यूर बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं इस पर पे यूरल पे तो ये आपको उसकी साइड पर ले जाता है व्हील एंड वॉय एडीएम मीन ये ए आया हुआ था इसका मतलब होता है अच्छे और बुरे दिन मतलब इन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी ये मैंने वही वर्ड यूज़ किए हैं जो उसने ऑप्शंस में दिए हुए हैं इन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी ये इसका आंसर था करेक्ट दिस आई हैव रिसीव्ड हिज लेटर यस्टरडे आई रिसीव्ड हिज लेटर यस्टरडे आई हैव की जरूरत नहीं यहाँ पर आई रोट नथिंगडे बट लर्न टू पोईट्रीज बाई हर्ड तो ये बा होट्रीज uh, नहीं होता ये पोएम्स यूज़ करते हैं ये करेक्शन करते हैं ना हम इंग्लिश सेंटेंस की तो हम पोइट्रीज यूज़ नहीं करते हम पोएम्स यूज़ करते हैं वर्ड तो यहाँ पर पोइट्रीज़ की जगह पोएम्स आ जाएगा अपोजिट ऑफ ट्रांसमिट तो ट्रांसमिट का होता है विथ हो ट्रांसमिट होता है किसी चीज़ को आगे भेज देना ठीक है लेकिन विद होल्ड का मतलब है मतलब अभी वो आपके पास ही है लाइक ड्राफ्ट मैसेज जैसे बात हो रही थी तो मतलब अभी ड्राफ्ट में बढ़ा हुआ है हमने आगे नहीं भेजा हमने विधहोल्ड किया हुआ उसको ट्रांसमेट होता है किसी चीज़ का आगे कम्युनिकेट कर देना ये वर्ड वही मैंने यूज़ किया यहाँ पर वही ऑप्शन हैं जो कि पेपर में दिए हुए हैं आप लोगों के पास आ, आ, होगा वो पेपर जो कि फेसबुक पर अपलोड हुआ हुआ है वन हु लव्स बुक्स तो बिबलो बिबलियो फाइल उसे बोलते हैं जो बुक्स को लव करता है ये पास में आ चुका है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ मर्ज प्रोसेस तो जितने भी प्रोसेस दिए हुए थे तीन ऑप्शन दिए हुए थे वो मर्ज का प्रोसेस होती हैं तो इसका आंसर ऑफ नर्णवदीज है द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज़ एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस इज़ इम्परलाइजम बोलते हैं इसको इम्पीरियलिज़म ठीक है इसको बोलते हैं इम्पीरियलिज़म मैक्सिमम लोग इसको कैपिटलिज्म समझ रहे थे लेकिन इसका आंसर है इम्पीरियलिज़म स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली इन नाइनटीन सेवनटी थ्री टू सेवेंटी सेवन तो फारूक अली साहबज़ादा फ़ारूक अली थे उस वक्त स्पीकर कमांड used टू आस्क द ब्राउजर टू सेंड यू द मोस्ट अपडेटेड वर्जन ऑफ द पेज यू आर viewing इन दिस कार्ड कोई पेज आपने ओपन किया हुआ है सपोज़ आपने पी पी एस सी के साइड ओपन की हुई है या कोई भी साइड एफ पी एस सी को ओपन की हुई है आप चाहते हैं कि इसका अपडेटेड वर्जन मुझे पेज का नजर आए तो आप क्या करेंगे आप पी टी आर करते हैं या तो पुल टू रिफ्रेश मतलब ऊपर से नीचे खींचते हैं उसको तो वो आ, सर्कल घूमता है उसके बाद पेज रिफ़्रेश हो जाता है ठीक है ना तो अगर आप यूज़ कर रहे हैं पीसी पे तो साइड पे वो रिफ़्रेश ऑप्शन होती है सर्कुलर एक बना होता है आप क्लिक कर दें तो रिफ़्रेश हो जाता है रिफ़्रेश होने से ये होता है कि आपका जो अपडेट पेज होता है जो करंट पेज होता है वो आपको शो होता है लाइक आप रिज़ल्ट चेक कर रहे थे कि रिटर्न रिज़ल्ट आया है कि नहीं आज के दिन किसी असिस्टेंट के पेपर का तो आप पुल पी करेंगे सेल के ऊपर पुल टू तो रिफ़्रेश करेंगे तो पहले तो वो रिज़ल्ट नहीं शो हो रहा था लेकिन रिफ़्रेश करने के बाद वो शो हो जाएगा तो उसका मतलब है जो पहले पेज शो हो रहा था वो अपडेट हो चुका है उसमें एक और एडिशन हो चुकी है रिज़ल्ट की तो रिफ्रेश इसका आंसर है इन एम एस वर्ड सबस्क्रिप्ट, सुबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू आर नोनेस तो ये फॉन्ट इफेक्ट्स होते हैं सबस्क्रिप्ट और सुबस्क्रिप्ट वगैरह ठीक है ना सनोडम ऑफ एरर एरर होता है ब्लेंडर आपसे गलती हो गई ये कॉमन यूज़ करते हैं मुझसे ब्लेंडर हो गया या मुझसे एरर हो गया ये वही वर्ड यूज़ किए हैं जो आंसर्स में दिए हुए फोर में से एक ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है ही रॉइट्स बैटर दैन मी तो रैटर दैन मीन यूज़ करते हैं बैटर दैन आई यूज़ करते हैं ही रैटर दैन आई द डैश गैस इज़ यूज टू मेक सोडा वाटर तो ये कार्बन डाईऑक्साइड यूज़ होती है सोडा वाटर मेकिंग में अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ द कर्न हाउ मैनी विटनेस आर रिक्वाय फॉर द फाइनेशियल अफेयर्स ट्रांजेक्शन तो मतलब आप किसी को लोन दे रहे हो या लोन ले रहे हो तो ये है कि आपके दो लोग गवाह के तौर पे होने चाहिए वो माह लिखा जाना चाहिए भी मैंने इसको दस हज़ार रुपये दिए बीस दिए तीस दिए जितने भी दिए हैं तो ये लिखा जाए और दो गवाह होने चाहिए ठीक है ना तब ही आपको ये आपको फाइनेंशियल आपको ये चीज़ें करनी चाहिए आपका कुरान कहता है आपको करने को मतलब आपका इस्लाम एट नाइट प्लान इनटेक तो रात को जो है ये जो आपके प्लांट्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं अब्ज़ॉर्व करते ये दोपहर में करते हैं लेकिन रात को ऑब्जॉर्व करते हैं ऑक्सीजन इसलिए कहते हैं और रात को के नीचे नहीं सोना चाहिए ये सा आम से क्यूज़ है जो बहुत बार आ चुका है द एक्ट ऑफ किलिंग हिमसेल्फ़ तो ये सुसाइड करने का एक्ट ऑफ किलिंग हिमसेल्फ होता है आई शिप रिसेंटली ब्लॉक तो उसने ब्लॉक कर दिया था किस सी uh, रूट uh, को और मिलियंस डॉलर का नुकसान हुआ था वो स्विस कनाल में जो एवर गिवन जिसको शिप का नाम दिया गया है जो कि आई थिंक हॉन्ग की शिप थी वो आई हॉन्ग की नहीं वो ताइवान की शिप थी जो वहाँ पे फंस गई थी जहाँ तक मेरा ख्याल है सूस कनाल में और उसको एवर गिवन का नाम दिया गया था ठीक है तो यू सुइस कनाल के बारे में फिर क्वेश्चन किया हुआ था ये इस, आ, इसको आप करंट अफेयर का क्वेश्चन समझ सकते हैं सपोज देर इज अ टेक्स इन अ डॉक्यूमेंट देर इज बोल्ड रेड इन कलर विद ग्रीन बैकग्राउंड वी वॉन्ट टू अप्लाई ऑल ऑफ दिज फॉर्मेटिंग टू अनदर पैराग्राफ इन वन गो विच ऑप्शन विल वी यूज़ फार्मेट पेंटर हम ऑप्शन यूज करेंगे तमाम चेंजेस वन गो में करने के लिए रैक एंड रोइन इज़ डिस्ट्रिक्शन तबाही को बोलते हैं रैक एंड रोइन ईडियम है डैश इज़ अ स्टैंडर्ड विंडोज कंटेंट दैट डिस्प्लेज द परसेंटेज कंप्लीशन ऑफ अ पोल्टिकुलर प्रोसेस एज अ ग्राफिकल बार मतलब सपोज आपकी यू एस पी में एक मूवी थी ठीक है ना वो आपने कॉपी करनी है आपके पी के अंदर लैपटॉप के अंदर तो आप कॉपी करेंगे पेश करेंगे जैसे पेश करेंगे तो एक प्रोग्रेस बार आपके सामने आ जाएगी वो आपको प्रोग्रेस दिखाएगी इतने परसेंट होगी है इतने परसेंट होगी है चालीस परसेंट साठ परसेंट जब सौ होती है तो पूरी पेश हो जाती है मूवी आपके यू से आपके सेल के अंदर तो वो क्या होती है प्रोग्रेस बार होती है मीनिंग जॉन डिसाइड आई तो अ प्री प्री जोडाइज पर्सन ऐसा पर्सन जो नेगेटिव चीज़ें के बारे में सोच रहा होता है ठीक है ना ये वही मैंने वर्डिंग यूज़ किया जो कि वहाँ में ऑप्शन में दी गई है तो आंसर क्या है अप्रीजडाइज पर्सन इंसुलेंट, ऑपोजिट हम्बल इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कस्टमाइजिंग हाउ द न्यू स्लाइड अपेयर्स ऑन द स्क्रीन इन द स्लाइड शो इज़ अप्लाइड यूजिंग ट्रांजिशन तो आपने ट्रांज़िशन में जाके ना टैब में तो आप अप्लाई कर सकते हैं किस तरह के कोई स्लाइड आपके सामने शो होगी लाइक like, आप डिफरेंट देख रहे होते हैं स्लाइड्स में आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जा जाते हैं ठीक है तो वहाँ पे जो वर्ड हैं वो डिफरेंट तरीके से शो होते हैं मतलब कोई जंपिंग करता हुआ आ रहा है कोई साइड से आ रहा है कोई टॉप से आ रहा है तो ये ट्रांजिशन में होता है सब कुछ जैजब मीन मेक समथिंग मोर एक्साइटिंग ये वही मैंने आंसर लिखा है जो कि वहाँ पे ऑप्शंस में दिया गया है मेक समथिंग मोर एक्साइटिंग बोलते हैं जेजअप सेंटर अलाइन करना होता है किसी पैराग्राफ को किसी चीज़ को तो हम कंट्रोल प्लस ई यूज़ करते हैं वैसे टॉप तो पे दिया होता है लेफ्ट राइट अलाइन सेंटर लाइन और जस्टिफिकेशन का ऑप्शन लेकिन अगर कमांड यूज़ करें तो कंट्रोल प्लस ई यूज़ करते हैं ही इज़ अ कावर्ड बॉय तो कावर्ड नहीं यूज़ करेंगे आप आप यूज़ करेंगे ही इज़ अ कवर्डली बॉय तो कवर्डली यूज़ होता है ये एक इंग्लिश का रूल है इसम uh, होता है प्राइवेट ठीक है है ना होता कोई चीज प्राइवेट हो इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन फर्गूमेंट आर ऑलवेज रिटर्न इन प्रिंस मतलब ब्रैकेट्स लगा के आप लिखते हैं। में ही होता है ठीक है ना या आंसर वही दे रहा हूं जो किस में है फॉर कंडक्टिंग ऑनलाइन वीडियो मीटिंग्स यूज़फुल सोलूशन आर यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट तो माइक्रोसॉफ्ट को यूज़ करते हुए कौन से ऐसे सोल्यूशनस हैं जो हम वीडियो कॉलिंग के लिए कर सकते हैं अब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द लोग जूम लगा के आएंगे लेकिन जूम माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है ठीक है तो माइक्रोसॉफ्ट का जो आंसर था वो बनता था सी ऑप्शन अमेजोन एंड माइक्रोसॉफ्ट एस थ्री एंड एस जोर यू यूज़ होते हैं प्लेटफॉर्म दो वीडियो कॉलिंग के लिए अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो जूम माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है जहाँ तक मेरा ख्याल है इन सेपरेट शीट लेटर आई यूज़ टू डिनोट जब आप एक्सेल uh, ओपन करते हैं तो जो टॉप पे यूज़ हो रहे थे वो ए बी सी डी फिर ए वन ए टू बी सी थ्री तो वो कॉलम को शो कर रहे थे जबकि जो रोज़ होती है हमारी वो वन टू थ्री फोर को शो कर रही होती है मतलब तो लेटर शो करते हैं कॉलम को और नंबर शो करते हैं रोज़ को एंटोनियम ऑफ नैग इज सूथी एम एस वर्ड स्टैंडर्ड पेज साइज़ विच इज़ यूज इन ऑफिस आप सबको पता है कि जब हम प्रिंट निकालते हैं तो हम क्या क्या हमने सेलेक्ट किया होता है ए फोर तो ए फोर जो होता है वो एम एस वर्ड के लिए हम ए फोर पेज यूज़ करते हैं ठीक है ना गेट योर गॉड मीन्स टू इरीटेट सम वन में है पहले बार काफ़ी भी आ चुका है वाई ही रोड दैट फुलिश लेटर वाई डिड यहाँ पर यूज़ होगा ठीक है ना पास में है तो वो डिड यूज़ करके वाई डिड ही रोड दैट फुलिश लेटर डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ़ वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉग इन नेम एंड पासवर्ड तो आप जब वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं ना इसको बोलते हैं अथेंटिकेशन तो अब अथेंटिकेशन करवा रहे होते हैं लाइक like, जैसे व्हाट्सअप आपका एंड टू एंड इन होता है तो ये अथेंटिफिकेशन है इसके अलावा अथेंटिफिकेशन आप फेसबुक पे करते हैं ठीक है ना जब आप अपना आप जीमेल या यूजर नेम अपना डाल रहे होते हैं साथ पासवर्ड फेवरेट बा शोन एंड हिडन इन इंटरनेट एक्सप्लोरर बाय टैब तो नन ऑफ दीज यहाँ पे कोई भी टैब नहीं था आप राइट क्लिक करते हैं सेटिंग्स में जाते हैं और फेवरेट टैब ऑन कर देते हैं जो मेनली होता है यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं था तो नन इसका आंसर बुर्जेल पास इज मिच रेंज तो हिमालयन रेंज में बुरजेल पास एट सी ईडियम मीन्स एट सी मतलब पजल हैं आप लोग आप लोग कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे मेडन स्पीच मीन्स कोई भी पहली स्पीच जो शख्स देता है इलेक्ट होने के बाद तो फर्स्ट स्पीच चैटी मीन्स चैटी मीन्स टाक्टिव ज़्यादा बोलने वाला एंटोनिम ऑफ मॉइस्ट मॉइस्ट होता है आपका एंटोनिम उसका होता है ड्राई सूखा द कीबोर्ड शॉर्ट कट की टू डिक्रीज फोर्ट साइंस वन पॉइंट इज नन तो इसका कोई भी ऑप्शन नहीं था जितने भी ऑप्शन दिए गए थे उनमें से कोई भी नहीं था तो फोट साइड इंक्रीज डिक्रीज करता है कंट्रोल के साथ आप uh, जो जिसको आप बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं वो यूज़ करते हैं uh, कम करने के लिए उसी को अपोजिट डायरेक्शन में यूज़ करते हैं लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं था जो कि वन पॉइंट कम कर दे फोन साइज़ को मतलब वन पॉइंट की बात आ फोन साइज अगर बहत्तर हुआ हुआ है तो उसको इकहत्तर करने के लिए कौन से कमांड यूज़ करेंगे तो ऐसे कोई भी कमांड नहीं है मेरे ख्याल में तो नॉन इसका ऑप्शन है द मैन डैश सोल्ड माई हाउस वॉज वोम आई सोल्ड माई हाउस वॉज अ मिनिस्टर ठीक है ना टू वोम आएगा यहाँ पर एस एम टी पीज़ा मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल सर्वर आई ठीक है ऑप्शन सी आई थिंक या बी इसका ऑप्शन था जो बड़ी सी स्टेटमेंट थी वो इसका आंसर था देट विच इज़ कंटेरी टू लॉ इज़ इलीगल मतलब कोई भी ऐसी uh, काम जो कि कानून के, के मुताबिक ना हो कंटेरी टू लॉ हो लॉ के अगेंस्ट हो तो वो इलीगल होता है आई हैव टेन टेन रुपीज़ नोट्स अभी यहाँ पे इसने टन टन रुपीज़ के साथ भी ऐसे यूज़ किया नोट्स के साथ भी ऐसे यूज़ किया हुआ तो आई हैव टेन टेन रुपीज़ नोट

ये अप्रैल दस अप्रैल उन्नीस सौ तिहत्तर को यह ड्राफ्ट अप्रूव कर दिया था आपके नेशनल असम्बली ने नाइनटीन सेवनटी थ्री के कॉन्स्टिट्यूशन का नंबर ऑफ राइट ट्राइंगल इन अ डे ऑन अ क्लॉक तो ये फोर्टी फोर टाइम्स होता है ठीक है बारह घंटे में uh, होता है बाईस बार और चौबीस uh, घंटे में डे में हो जाएगा फोर्टी फोर टाइम्स इसी तरह अगर बात की जाए आपके हैंड्स ऑफ द वाइट राइट कितने बार होते हैं मतलब दोनों जो नीडल्स होती हैं वो सिमिलर आपस में ऊपर नीचे किस टाइम होते हैं तो वो भी ट्वेंटी टू टाइम्स होता है इफ़ यू प्रेस डैश द सेल एक्सेप्ट यू टाइपिंग एज द कंटेंट यहाँ पर नाना ऑप्शन है इंटर कुछ भी टाइप करने के बाद इंटर करते हैं ना तो सेल उसी को सेव कर लेते हैं आप यही आपने यही टाइप करना चाह रहे थे ठीक है तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं था इंटर ऑप्शन होता है इसका मतलब आपने कुछ सेल में टाइप किया एक्सेल के उसके बाद इंटर क्लिक कर दिया जैसे ही आप इंटर क्लिक करेंगे सेल समझेगा इसने फिनिश कर लिया सेल में लिखना और सेल का कंटेंट वो वही कर देगा प्रूफ लाइक सेल में आप लिख रहे थे गोल जी ओ ए लिखा है आपने और इंटर प्रेस कर दिया तो वो समझेगा यही फिक्स है ठीक है ना करेक्शन की ऑप्शन नहीं देगा वो आपको फिर आप एडिट करोगे जी ओ एल गोल लिख के एंटर करोगे तो फिर वो गोल को सेव कर लेगा तो ये बात हो रही है यहां पे स्पेल एंड ग्रामर चेक एफ सेवन की से होता है एंटोनिम फ्यू अब ये फ्यू का एंटोनिम मैनी है ठीक है ना निस नहीं होगा यहां पर फ्यू और मैनी यूज़ होते हैं ऑपोजिट जब आप इंग्लिश के करेक्शन पढ़ रहे होते हैं ना पढ़ रहे होते हैं डिफ्रेंसिज बिटवीन फ्यू एंड मैनी ठीक है ना इधर नॉर एधर और तो ठीक है तो फ्यू का ऑपोजिट मैनी इफ यू वॉन्ट टू टाइप एन इक्वेशन इन अ सेल द फर्स्ट थिंग दैट मस्ट बी इंड इन हमेशा कुछ भी टाइप कर रहे हैं ना आप कुछ भी फार्मूला डाल रहे हैं कोई फार्मूला इक्वेशन कुछ भी तो आप इक्वल का साइन यूज़ करते हैं हमेशा एक्सेल में तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में इक्वल नहीं है तो नॉन इसका आंसर है डैश व्यू ऑफ एम एस पावर पॉइंट डिस्प्लेज ओनली टैक्स तो नन आउटलाइन व्यू जो होता है thought कि वो आपको शो करता है ओनली आपके टेक्स्ट तो यहाँ पे नन ऑप्शन है एंटोनियम ऑफ अरबनिटी क्रूडनेस इसका एंटोनियम है शॉर्टकट की चेंजिंग केस एन एम एस वर्ल्ड शिफ्ट प्लस एफ थ्री से अपर एंड लोअर केस में आप जाते हैं ओबेसी मीन्स मोटापा तो फैट इसका आंसर है सी ऑप्शन आई थिंक इसका है पेपर में डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग तो कॉर्पस जो होती है इसको डेड बॉडी भी कहते हैं ह्यूमन बीइंग डेड बॉडी को कॉर्पस भी बोलते हैं शॉर्टकट के यूज टू क्लोज वेब ब्राउजिंग ऑर्डर फोर करते हैं तो कुछ भी क्लोज हो जाता है सैनानी ऑफ ऑप तो स्टबर्न होता है इसका जिद्दी सेवन एक्सेज वन ओवर थ्री फोर थ्री अब ये यहाँ पर एक्टिव वाली उसने पूछी है तो थ्री सेवन को आप थ्री टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री फोर थ्री हो जाएगा तो वन अवर साउन के पाई पावर थ्री हो जाएगा कि हमने पढ़ा था जब हम नीचे से किसी चीज़ को ऊपर लेके जाते हैं तो वो माइनस में उसका जो है बेस वो चेंज हो जाता है तो सेवन माइनस थ्री हो जाएगा टॉप पे तो एक्सिक माइनस थ्री इसका आंसर होगा स्पैम फोल्डर आल्सो कॉल्ड जंक मेल स्पैम मेल या जंक मेल ये एक ही बात है मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन इज माइकल फ्लिप ऑर्गेनाइजेशन मेड बाय द बाई दोहसन नाइनटीन हंड्रेड टू मेक उर्दू एडवोकेसी एज फ्रांसा लैंगसा फ्रांसा होता है एज अ कॉमन लैंग्वेज जो आपकी यूज़ होता है लाइक like पाकिस्तान के इस वक्त जो कॉमन लैंग्वेज यूज़ होती है वो उर्दू है तो हमारी उर्दू इस वक्त है लिंगवा फ्रां फ्रांसा या फ्रांका इसको बोलते हैं तो वो उर्दू डिफेंस एसोसिएशन उन्होंने स्टार्ट की थी नाइनटीन हंड्रेड में अ स्टेटमेंट दैट कैन हैव अ डबल मीनिंग तो एम्बिगुस अब अगर डॉक्टर जाकर नायक को सुनते तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो यूज़ कर रहा होता है कि कुरान की कोई भी स्टेटमेंट ऐसे नहीं है जो कि एम्बिगुस हो एम्बिगुटी हो जिसमें बिल्कुल क्लियर बात करता है कुरान जो भी बात करता है कोई टू मीनिंग बात नहीं करता कुरान कोई भी इंबिग्युटी आपको कर्बनी नहीं मिलेगी तो इम्बिगुस होता है डबल मीनिंग मतलब पता नहीं चल रहा होगा इसका क्या मीनिंग है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन तो डी एस एल इसका आंसर है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्ट मैथड ऑफ़ एडिटिंग सेल तो प्रेस ऑल्ट की बहुत बार आ चुके हैं कि उस प्रेस ऑल्ट की से आप चेंजेस नहीं कर सकते मेक है द सनशाइन तो इसका मीनिंग क्या है मेक एडवांटेज ऑफ फेवरेट कंडीशन ये वही स्टेटमेंट मैंने लिखी है यही आंसर लिखा है जो ऑप्शन में दिया हुआ है पेपर में मिशिगन लैक इज इन नन अब मोस्टली लोग कैनेडा एंड न्यूएस का बॉर्डर लगा के आएंगे क्योंकि जो ग्रेट लैक्स जिनको बोला जाता है फाइव लैक्स है जिनका शॉर्टकट हम होम यूज करते हैं हिओन ऑन टो मिशिगन ई से एंटायर आई थिंक आयर एंटायर आयर लैक और ओ एस पे है लैक्स पीरियड जो कि दुनिया के सबसे बड़े फ्रेश वाटर लाइक है तो यहाँ पे इन पांचों में से ग्रेड लैक्स जो चार हैं वो तो हैं कनाडा और यू के बॉर्डर पे लेकिन जो मिशीगन है वो टोटल टोटल यू के अंदर है तो इसका अंडर यू होना था तो आपने नन लगाना था इसका आंसर वेसीट एंटोनियम है आ, रेजोल्यूट कमांड यूज ऑर्डरिंग ग्रुपिंग एंड अलाइन ऑब्जेक्ट इन पावर पॉइंट तो ये फॉर्मेट में जाके आप करते हैं सब कुछ अपने कोई पिक्चर डाली है ना पिक्चर आप पावर पॉइंट ओपन करें इंसर्ट करें पिक्चर इंसर्ट करें ठीक है उसके बाद आप उसको क्लिक करें तो आपको जितने भी पेजेस आपको चेंजेस करने होंगे ना आपके सेलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट को या इमेज को तो आपको फॉर्मेट में मिलेंगे डैश इज़ यू डैश इज़ अ पावरफुल एप्लीकेशन फॉर डेवलपिंग वेबसाइट्स एंड मोबाइल एप्लीकेशंस एडोप ड्रीम वीवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं और अपनी मोबाइल एप्लीकेशन भी बुला सकते हैं वेब डिवलपमेंट मीन्स वेबसाइट लाइक आप पी की वेबसाइट बनी हुई है ना किसी वेब किसी वेब डेवलपर भी बनी होगी ना लाइक वर्ड प्रसा है वर्ड प्रस भी यूज़ होता है वेबसाइट बनाने के लिए इसके अलावा आप गूगल डब्ल्यू साइट्स डॉट गूगल डॉट कॉम पर जाएँ वहाँ पर वेबसाइट बना सकते हैं ठीक है इसके अलावा आप ब्लॉगर पर वेबसाइट बना सकते हैं इसके अलावा पी एच पी या पाइथन डिफरेंट लैंगवेजेज़ यूज़ करते हुए वे वेबसाइट बनाते हैं लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं है प्लेटफॉर्म वर्टप्रेस है ड्रीम व्यूवर है और इसके अलावा ब्लॉगर है और गूगल साइट्स है और भी कुछ होंगे मैं तो इतने वही जानता हूँ ठीक है हन लाइक कोटा में है ही कोटा बलोचिस्तान में तो उसका आंसर बलोचिस्तान होगा टू स्टे इन ग्राउंड ऑफ़ इज़ द मेजर पार्ट ऑफ हज तो कहाँ पे रुकना मेजर पार्ट ऑफ हज होता है तो वक्ूफ़ अराफा जिसे हम बोलते हैं मतलब आरफात गए बगैर आपका आज नहीं होता नाइन जिल हज को अरफात में स्टे होता है जिसे वक्ूफ़ अरफात कहते हैं मतलब अरफात में ठहरना तो अरफात जाए अगर आपका हज नहीं होता टू स्टे इन ग्राउंड ऑफ़ इज़ द मेजर पार्ट ऑफ हज तो अरफात का मैदान होगा द एप्लीकेशन फैसिलिटेटिंग यू टू गेट लेटेस्ट न्यूज़ फ्राम यूर साइट पीपल अराउंड यू अ वर्क इन फ्रीकेंटली क्विकली गंगट फॉलोड बाई यू शेयर पॉइंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि लॉन्च किया गया था आई थिंक 2001 में तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स बनी हुई हैं डिफरेंट पेजेस बने हुए हैं जहाँ पे न्यूज़ वगैरह शेयर होते हैं तो इसका आंसर शेयर पॉइंट है ये बहुत ही रेलिवेंट इसने क्वेश्चन पूछा इतना डीपली किसी को पता नहीं होता इंटरनेट का द एक्यूज डैश हैविंग मेड एनी स्टेटमेंट द एक्यूज डिनाइड हैविंग मेड एनी स्टेटमेंट मतलब वो कोई भी स्टेटमेंट देने से मना कर रहा है एक्यूज एक्यूज मतलब जिसपे Uh, किसी चीज़ का इल्ज़ाम है लाइक किसी ने चोरी किया तो वो अकूज है इस बारे में कि ये अक्यूज है ऑफ हैविंग स्टील एनी थिंग इन एम एस एक्सो विच इज़ यूज टू परफॉर्म वट इफ़ एनालिसिस तो ऑल ऑफ़ दीज ऑप्शन जितने भी दिए हुए थे वो सारे तो इसका ऑल ऑफ़ दीज आंसर है द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज लाइक मैं अगर वर्ल्ड प्रस में वेबसाइट बनाता हूँ मेरा पहला पेज वो होम पेज हो लाइक like जो पहले पेज पर आप जाएंगे वहाँ पर आपको मेन्यू मिलेगा लाइक आप पाकिम सीरीज की वेबसाइट पर गए हो ना काफ़ी बार तो वहाँ पे आपको जो उसका होम पेज है वहाँ पे शो होता है करंट अफेयर एम सी की वर्ल्ड करंट अफेयर एम सी की यूज़ नॉलेज एम सी की इंग्लिश एम सी की यूज़ साइंस एम सी की तो मतलब वो होम पेज है जो सारे पेजेस को शो करता है कि इस वेबसाइट like के ऊपर ये 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 कैटेगरी की चीज़ें पड़ी हुई हैं लाइक पी पी एस सी के होम पेज पर पे जाते हो टॉप पे शो होता है रिजल्ट्स ठीक है इसके अलावा सिलेबस डाउनलोड्स जैसे डाउनलोड पर क्लिक करते हो तो वो आगे शो करता है कि अपनी शो करता है कि यहाँ पे आप चलाना डाउनलोड करना है सी एस एस डाउनलोड करना है कोई भी चीज़ डाउनलोड के लिए तो वो जो पहला पेज होता है किसी वेबसाइट्स का वो होम पेज होता है लाइक like, आप किसी भी वेबसाइट पर जाओ तो आपको शो हो रहा होगा होम पेज होम पेज पे क्लिक करोगे उसी पेज पे ले लेगा जो आपने ओपन किया हुआ होगा ठीक है आप किसी रिजल्ट वाले पेज पे चले जाते हो फिर आप होम पे क्लिक करते हो होम पे जैसे क्लिक करोगे आपको मेन पेज पर लेगा तो होम पेज जो होता है वो किसी भी वेबसाइट का वो उसका पहला पेज होता है द फर्स्ट पेज कोई भी पेज पहली बार किसी वेबसाइट का क्रिएट किया जाता है वो होम पेज होता है लाइक like, मैं होम पेज क्रिएट करूँगा वहाँ पे कैटेगराइज करूँगा इस्लामिक स्टडीज एम से क्यूज़ पाकिम से क्यूज़ उर्दू एम से क्यूज़ इंग्लिश एम से क्यूज़ तो मेरा होम पेज बन जाएगा वो ठीक है उसके अलावा जितने भी पेज बनेंगे वो सेकेंडरी पेजेज होंगे वो होम पेजेस नहीं होंगे दर्ज में से कौन सा नंबर अब्दुल्ला हुसैन का ये बहुत बार आ चुका है अब्दुल्ला हुसैन का उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का है ठीक है जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही खुलते हैं ग़ुलामों पर इसार शहनशाही अब यहाँ पे कोई भी लदीफ़ नहीं था रदीफ़ वो होता है जो पहले दो मिसरों में गजल के रिपीट हो और फिर हर शेर के दूसरे मिसरे में रिपीट होता जाए ठीक है वो होता है अब यहाँ पे कोई भी वर्ड तो सिमिलर है ही नहीं आगाही भी सिमिलर नहीं है शहनशाही भी सिमिलर नहीं है तो यहाँ पर कोई भी रदीफ़ नहीं है उर्दू में कसीदा गोई में सौदा के बाद किस शायर का नाम अहमद कहाँ मैंने तो इब्राहिम जौक का नाम सौदा के बाद काफ़ी पॉपुलर ऑफ कसीदा अब ये आंसर जो मेरी ऑब्जरवेशन है उसके मुताबिक यही आंसर है और ये जितने भी आंसर मैंने आपको दिए हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट है इनमें दो तीन का चेंजेस हो सकते हैं मैक्सिमम लाइक इंग्लिश में कोई चेंज हो सकता है वो भी डिफ़िकल्ट है कोई चेंज है यही आपके आंसर है उर्दू में चेंज हो सकता है ये जो आखिरी क्वेश्चन मैंने आपको बताया उसके अलावा कोई चेंजेस नहीं हो सकते ये भी नाइन्टी परसेंट मैं शोर हूँ कि इसका ये आंसर है